2 दिन पहले तक आई वॉज ऑफ क्लियर ओपिनियन के अभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट और 1 महीने तक वेट करना चाहिए। गवर्नमेंट किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर रही है, हाउ द लोकल पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू टूरिज्म स्टार्टिंग अगेन, और ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो कैसे कंट्रोल में आ रहा है, ये सब देखने के बाद एटलीस्ट और 1 महीने के बाद ट्रैवल करना चाहिए। एंड इवन प्रियंका वॉज ऑफ सेम ओपिनियन। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि ये मेरा पूरा जो थिंकिंग था ना, एंड इवन प्रियंका का, 180 डिग्री टर्न हो गया। एंड 2 डेज लेटर हियर आई एम सिटिंग एट द टॉप ऑफ दिस ब्यूटिफुल माउंटेन राइट हियर, वॉचिंग एट दिस ब्यूटिफुल पैनोरमिक व्यूज ऑफ सह्याद्रीज एंड टॉकिंग टू यू पीपल। बट ऐसा क्या हुआ था 2 दिन पहले कि मेरा ओपिनियन इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया, ये भी बताऊंगा और इस जगह के बारे में भी बताऊंगा राइट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस इंट्रो वीडियो। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, you can take this as a small inspiration story or something like that. 2 दिन पहले तक आई वॉज टोटली अगेंस्ट ट्रैवलिंग, आई मीन नॉट ट्रैवलिंग एज अ होल बट ट्रैवलिंग राइट नाउ। अभी करंट सिचुएशंस में घर से बाहर निकल के कहीं एक्सप्लोर करने का मन नहीं कर रहा था। बट देन 2 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू विशाखा ऑन फोन एंड शी सेड वन थिंग वेरी कैजुअली, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर गई मुझे। एंड द थिंग वॉज, उसने कहा कि यार जैसे ही लॉकडाउन खुला, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सैलरीड पीपल है, अपना घर चलाने के लिए जिनको जॉब पे जाना ही है, वो लोग तो रिस्क ले रहे हैं ना, हर दिन सुबह उठ के लोकल ट्रेन में चढ़ रहे हैं। फिर हमें ऐसा कौन सा हक मिलता है कि हम घर पे बैठ के आराम से वेट करें ये सब सिचुएशन रेगुलराइज होने का। दिस इज़ अ जॉब दैट वी हैव चोजन, इट इज़ बाय चॉइस कि हमने डिसाइड किया है ये चैनल चालू करना है, इसमें से नए नए प्लेसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए लेके आने हैं। तो वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू टेक दैट रिस्क बिकॉज वी डू दिस फॉर लिविंग। अगर वो लोग सुबह उठ के ट्रेन में चढ़ने की रिस्क ले सकते हैं ना, तो वी डोंट डिजर्व टू सिट एट होम एंड से कि 1 महीना और वेट करते हैं। बाहर निकलना ही पड़ेगा और ये काम करना ही पड़ेगा। फर्स्टली दैट इज़ आर पैशन, दैट इज़ आर चॉइस, एंड सेकेंडली इट इज़ वॉट वी डू फॉर लिविंग, दिस इज़ आर जॉब। अगर लोग जॉब के लिए बाहर निकलते हैं तो ये अपना जॉब है और जॉब के लिए अपने को बाहर निकलना ही पड़ेगा। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट ट्रिप ऑफ मॉनसून 2020। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इर्शालगढ़। यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर का ड्राइव है, यहाँ से करजत 10 किलोमीटर्स और करजत से इर्शालगढ़ का बेस विलेज चौक वो अनदर 10 किलोमीटर्स। सो इट्स नॉट मच ऑफ अ लॉन्ग राइड। फिर सब तो घर से लेके निकले तो ना ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है ना किसी चीज़ के लिए रुकना है। सो इट विल बी लाइक 30 odd minutes। सो सीधा इर्शालगढ़ के बेस पे ही मिलते हैं जाके। इट्स 8:40 AM ऑन 26th of June 2020 एंड वी आर हियर एट द बेस विलेज फॉर इर्शालगढ़ चौक जो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे है। अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, कैन सी आर बाइक्स पार्क्ड ओवर देयर। अराउंड 2 घंटे का ट्रैक है, लेट्स सी। पहले एक ऊपर इर्शालवाड़ी करके छोटा गांव है, उस गांव में पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे किले का छोटा ट्रैक है। काय म्हणणं आहे, हाय जाऊ दे, दमलीस किती ते सांग 2 मिनिटात। एवढं जमायला पाहिजे मग आपण, 2 दिन का ट्रेक है, 2 घंटे का नहीं है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। एनी वेज, चिराग हियर वंस अगेन। इससे पहले भी बहुत से ट्रेक्स में मिल चुके हो। वेरी गुड मॉर्निंग। आणि फ्रॉम द कंपनी ऑफ अमेझॉन। मी काय बोललो नाही आहे, मी काही बोललो नाही। एनी वेज, लेट्स स्टार्ट द ट्रेक, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जाते जाते बातें करते हैं। हार्डली 5 मिनट्स लगा था कि आसान ट्रैक है। यहाँ तक डिस्कशन चल रहा था कि यार बाइक लेके ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन सामने ये आ गया। अभी जो रूट है ऐसे जिगजैग होते हुए ऊपर जा रहा है, और इसके एग्जैक्टली पीछे इर्शालगढ़ है जो अभी आपने इससे पहले वाले शॉट में देखा। सो द ट्रैक बिगिंस। सीजन का पहला ट्रैक था ये, पूरे 1 साल के गैप के बाद। सो नो मैटर ईजी और डिफिकल्ट, पसीने तो छूटने ही थे। स्टिल बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, हमने अच्छा खासा अल्टीट्यूड गेन कर लिया था।
ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स इनटू द ट्रैक अच्छा खासा अल्टीट्यूड गेन कर लिया है एंड देन रुक गए थे छोटे से ब्रेकफास्ट के लिए। अंडे जो उबाल के लाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, सो स्टॉप वगैरह सब पकड़ के 1 घंटा एंड वी आर नॉट इवन हाफ वे देयर। वॉकिंग ऑन द रिज विद डेस्टिनेशन इन साइट, सेरीन लेक इन द वैली एंड डीप फॉरेस्ट्स ऑल अराउंड, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, इजंट इट? आणि अशा प्रकारे 1 तासाच्या ट्रेकमध्ये प्रियंकाच्या पाठीवरची बॅग चिरागच्या पाठीवर पोचलेली आहे आणि बिना बॅगचे पण मॅडम दोन्ही कमरेवर हात ठेवून विटू माऊली चलिए। सी वेयर द ग्राउंड लेवल इज, वो डैम वगैरह जो दिख रहा है ना उस लेवल पे हम लोग थे, नीचे जो गांव दिख रहा है वहाँ पे पार्क करके अभी जितना चढ़ के आए हैं, इतना आने के बाद यहाँ पे एक गांव है सामने, दिस इज़ इर्शाड़वाड़ी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो भी है सोलर पैनल्स पे है, लेकिन यहाँ पे कम से कम मुझे 50 घर दिख रहे हैं। इतना बड़ा गांव और यहाँ से लोग कम्यूट करते हैं, जो भी मतलब इनकी क्या लाइफस्टाइल रहेगी, या तो यहाँ पे खेती करो यहीं पे जियो, कुछ भी और काम करना है तो यहाँ से रोज़ उतर के नीचे जाओ। दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ इर्शाड़गढ़ ट्रैक। पहला पार्ट था पार्किंग से ब्रेकफास्ट वाले पॉइंट तक, और ये दूसरा पार्ट ब्रेकफास्ट वाले पॉइंट से इर्शाड़वाड़ी तक। एक्जैक्टली 2 hours फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, इट्स 10:45 राइट नाउ और हम गांव में पहुंच चुके हैं। दैट्स इर्शाड़वाड़ी। नाउ यू कैन सी व्हाट आई वाज सेइंग, कितना बड़ा गांव है ये, नो इलेक्ट्रिसिटी नथिंग, लुक एट दैट, एंड पीपल आर स्टिल लिविंग हैप्पीली। वी केप्ट वॉकिंग क्योंकि पहले ही डिसाइड किया था गांव में रुकना नहीं है, किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना है। एंड इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी वर ऑलमोस्ट एट द समिट, और एटलीस्ट वी थॉट सो। Wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but एक्चुअल इर्शाड़गढ़ फोर्ट और इर्शाड़गढ़ पिनाकल फोर्ट्रेस व्हाट डू वी कॉल इट, वो ये है, वी आर एक्चुअली सर्कलिंग अराउंड इट। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता ऊपर की तरफ जो गया था वहाँ पे क्रॉस मार्क्स किए हुए थे, सो वी टुक द क्लू और जहाँ पे एरो मार्क्स थे उसी रूट से हम निकले हैं। होपफुली दिस रूट विल टेक अस टू द नीडल होल। पूरे ट्रैक का असली थ्रिल जो है ना ये आखिरी 100 फुट में है। I'll show you. ये पूरा रॉक पैच है ना, ये यहाँ से चढ़ के जाना है, लुक एट वेयर चिराग इज स्टैंडिंग, वहाँ पे मंदिर है और वहाँ से आगे वो सीढ़ी है जो नीडल होल में जाती है। Hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. दिस लास्ट पैच इज चैलेंजिंग बाय ऑल मीन्स यस, और इसी पैच में ये ठंडे पानी से भरा हुआ सिस्टर्न है, ये खूबसूरत मंदिर है और ढेर सारा थ्रिल भी है। बाय द वे इस फोर्ट का नाम इसी मंदिर की वजह से है, विशाला देवी मंदिर।
And after all the hard work, this is exactly how you feel when you reach the top. Finally, the first trek of Monsoon 2020 completed. We are right here at the top. And by the way, मैं यहाँ पे ऊपर गया था वो फ्लैग पोस्ट के पास. चिराग ने फोटो निकाला था मेरा. बट जब तक मैं ऊपर था ना, ये लोगों ने नीचे बैठ के खिचड़ी आधी ख़त्म कर ली है. तो मुझे भागते हुए नहीं, घसीटते हुए नीचे आना पड़ा, क्योंकि नहीं तो ये पूरी ख़त्म हो जाती. स्वार्थी लोक आहेत सगळी स्वार्थी. अरे डीमार्टची अंडी नाही, डीमार्टच्या ट्रे मधली अंडी. एनीवेज दॅट्स द नीडल होल देअर. इसका व्हिडिओ आपने देखा अभी. अभी यहाँ से नीचे जाना है. नीचे और एक बहुत बड़ी सी गुफा है जिसका वीडियो देखा था. इनफैक्ट मैंने नहीं देखा था, चिराग ने देखा था. तो अभी वो ढूंढनी है, अगर मिलेगी तो वो गुफा भी दिखाएंगे, लेकिन पेट पूजा के बाद. अभी फिलहाल ये मेरी साबुदाना खिचड़ी इधर राह देख रही है, इससे पहले कि वो ठंडी हो जाए और मक्खियाँ खा ले या फिर इन लोगों में से कोई चुरा ले, मैं ख़त्म कर लेता हूँ. पेट पूजा हो गई है, अभी थोड़ा सा ज्ञान का डोज दे सकता हूँ मैं, थोड़ी एनर्जी आ गई है. वेल इफ़ यू आर एवर कमिंग टू इर्शालगढ़, दिस इज द पॉइंट टिल वेयर यू कैन कम. ये नीडल होल यहाँ पे और एट द मोस्ट ये फ्लैग पोस्ट तक आप जा सकते हैं. यहाँ से आगे दस दिस पार्ट, यहीं से ऊपर से रास्ता जाता है उस तरफ, बट दैट इज़ अ रॉक क्लाइंब. और ये क्लाइंब करने के लिए आपको प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक और इक्विपमेंट्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी वन ऑफ दोज थिंग्स, अगर आपके पास टेक्निक नहीं है और या आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इन बोथ द केसेस यू शुड नॉट अटेम्प्ट दैट. कोई एक्सपीरियंस अगर आपके साथ माउंटेनियर है जो आपको ठीक से वहाँ पर ले के जा सकता है, तो ही ट्राई करिए. अदरवाइज यहाँ से आके वापस हम भी वही करने वाले हैं, बिकॉज अननेसेसरी रिस्क लेने में कोई पॉइंट नहीं है. तो लंच ख़त्म करके हम चल पड़े उस केव को ढूंढने जिसके बारे में सिर्फ सुना था. बड़ी मशक्कत के बाद केव मिली, लेकिन वहाँ पहुँचना एक सीरियस टास्क था. द केव इटसेल्फ इज़ वर्थ ऑल द एफर्ट्स, नो डाउट इन दैट. लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस केव को फोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखो, यहाँ जाने की सोचना भी मत. और हाँ, बारिश में तो इस पूरे ट्रैक के बारे में सोचना मत. वेल, केव देखने के बाद हम चल पड़े वापस बेस की ओर. नीचे उतरने में ना टाइम लगा और ना मेहनत, सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो था पानी. एंड विद इन 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग वी आर डाउन टू द विलेज अगेन. इर्शालवाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन इर्शालवाड़ी से थोड़ा सा ही पहले जाते वक्त ये देखा था, छोटा सा स्ट्रीम है. अभी बारिश उतनी हुई नहीं है, 2-3 दिन ही बारिश हुई है, तो बस इतना पानी है भरा हुआ, उसी में से भर के ले रहे हैं सब बॉटल्स. बट इट स्टिल क्लीन, इट स्टिल ड्रिंकेबल. बरसात का पानी है, इससे प्योर तो और कुछ हो नहीं सकता.
इर्शाड़गढ़ हिस्ट्री की बुक्स में भले ही कहीं पढ़ने में नहीं आता, लेकिन मेरी मेमोरी के बुक में तो ये हमेशा रहेगा, फॉर ऑल इट्स ब्यूटी एंड थ्रिल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द फ्रीडम दैट दिस डे गेव अस आफ्टर ऑल दिस 4 months ऑफ लॉकडाउन. विशिंग यू ऑल अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम. टेक केयर, स्टे सेफ, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.